पाकिस्तान के अली असद से भिड़ेंगे तो पाकिस्तान के पहलवान भी बेहतर कर रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अली असद और दूसरी तरफ भारत के रवि दहिया। बिल्कुल, जब भारत और पाकिस्तान के पहलवान आपस में आमने सामने होते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति स्क्रीन से नजर नहीं हटाता है। संजय, बिल्कुल नजरें हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए नजरों को बना करके रखिए। लॉन बॉल्स में इस समय मेंस फोर फाइनल चल रहा है जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड के खिलाफ भारत खेल रहा है। सोनी सिक्स पर आप देख सकते हैं, यहां मुकाबले की शुरुआत हो गई है। रवि दहिया रेड में आपके सामने और यहां शुरू में एक दाव लगाने की कोशिश, पैरों पर गए बहुत ही चपलता के साथ पाकिस्तान के पहलवान। तारीफ करनी होगी रवि की, जिस तरह का उन्होंने डिफेंस किया और अब रवि डोमिनेट कर रहे हैं इस मुकाबले को। हालांकि पाकिस्तानी पहलवान ने अटैक लगाया था, रवि दहिया ने उसके अटैक को काटते हुए उनकी ताकत को डाइवर्ट कर चपलता से पैरों का सही इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही पीछे आके कमर पर बैठ गए। दो अंक अर्जित किए हैं कल के मुकाबले में, हमने देखा दीपक पुनिया ने पाकिस्तानी पहलवान को हरा के गोल्ड मेडल जीता। आज ये सेमीफाइनल का मुकाबला 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग का, देखिए किस तरह से डेंजर पोजीशन में ला दिया है और यहां पर चित करने का प्रयास। तारीफ करनी होगी पाकिस्तान के अली की जिन्होंने अपनी पीठ को चित होने से बचाया। बिल्कुल, चित होने से तो बच गए लेकिन मुकाबले को शायद ना बचा पाए। अभी तो 1.5 मिनट हुए हैं, रवि ने 4 पॉइंट्स का दाव लगाया, डेंजर पोजीशन में लेकर के आए थे। एक बार फिर पकड़ बनाने की कोशिश पाकिस्तान के असद की और अब उन्होंने पकड़ अच्छी बना ली है। क्या डिफेंस कर पाएंगे रवि? रवि एकदम मैट पर छिपकली की तरह चिपकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन असद उन पर पूरा जोर लगाते हुए, असद अब चले गए हैं लेग पर अटैक करने के लिए। अगर ये मुद्रा कायम रही तो डिफेंस अच्छा माना जाएगा। बढ़िया डिफेंस किया यहां पर रवि दहिया ने लेकिन 2 पॉइंट असद के नाम चले गए। असद के लिए बड़ी उपलब्धि है, रवि दहिया के ऊपर 2 अंक अर्जित करना बहुत ही बड़ी बात है। और लेकिन ओहो, इस बार आराम से बगल डूब किया, 2 अंक लिए और मुझे लग रहा है यहां मैच समाप्त कर देंगे क्या? बिल्कुल, उसकी पूरी संभावना है, एक पलट मारनी है। ये इंतजार कीजिए, पकड़ तो बन गई है, 10-2 यानी के अब 8 पॉइंट का फासला है। पहले दौर में अब भी 45 सेकंड का वक्त बाकी है। वापरीन पहलवान इसमें कोई शक नहीं, स्वर्ण पदक के सबसे बड़े दावेदार, ओलंपिक में रजत जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, काफी एक से एक बढ़ करके इन्होंने प्रदर्शन किए इस समय। लेकिन अब 30 सेकंड बाकी इस पहले दौर में। मैं तो संजय पाकिस्तानी पहलवान की तारीफ करूंगा कि 2 अंक उन्होंने अर्जित किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए एक बार फिर कलाकारी दिखा रहे पाकिस्तानी रेसलर असद ने, यहाँ पर डेंजर करने की पूरी जिद्दोजहद की है और निश्चित रूप से 2 अंक रवि दहिया के ऊपर अर्जित की, खतरनाक साबित हो सकता था लेकिन बहुत ही खूबसूरती से भारतीय पहलवान ने वहां पर उस पोजीशन को क्लियर किया है। कड़ा मुकाबला दोनों के बीच, इसमें कोई शक नहीं। एक लम्हे के लिए पाकिस्तान के असद को पॉइंट्स मिले लेकिन उसी के साथ रवि ने भी पॉइंट लिए, तो फासला जो है वो 8 पॉइंट्स का अपनी जगह पर कायम है। तारीफ करनी हो, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म है, कुछ भी मुझे हल्का नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं का सिंगल्स भी बैडमिंटन में इस समय जारी है। पीवी सिंधु आप देख सकते हैं उन्हें खेलते हुए, पकड़ बनाने की कोशिश, अच्छा एक पैर पर गए, लेग अटैक करने की कोशिश की, ये पकड़ बन गई है और इसके साथ ही जो 2 पॉइंट्स चाहिए थे वो रवि को मिल गए। तो तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर रवि दहिया ने इस मुकाबले को 14-4 से जीत लिया।